आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन भगवान में लग गया तो समझ लो कि आपका जीवन सार्थक हो गया। जगतगुरु शंकराचार्य जी अपनी भाषा में कहते हैं, जगतगुरु शंकराचार्य जी अपनी वाणी में कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण उस दिन निश्चित है जिस दिन एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति, संसार में रहने वाला एक एक मनुष्य अपने भीतर विराजमान शिव को पहचान ले, और जिस दिन वो अपने भीतर शिव को पहचान लेगा उस दिन वो स्वयं मंदिर नहीं जाएगा, मंदिर में बैठा हुआ महादेव उसके पास में आएगा, जिस दिन उसने भीतर के शिव को पहचान लिया। हम अपने भीतर के शिव को नहीं पहचान पाए, हम अपने भीतर विराजमान देवदिदेव महादेव को जान नहीं पा रहे। भाई पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी, पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी उसको उठाने के लिए झुक जाता है, वैसे ही महादेव का मंदिर देखकर जिस दिन भक्त का सिर अपने आप झुकना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि महादेव के मिलने में देरी नहीं। एक लोभी जो लोभ में समाया हुआ है, वो लोभी अगर पैसा पड़ा हुआ दिखता है तो उसको वो उठा लेता है। एक लोभी पड़े हुए पैसे को देखकर झुक जाता है, उठा लेता है। उसी तरह जो पुण्यात्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है, जिसके भीतर कहीं सनातन धर्म समाहित होता है, जिसके भीतर भगवत भजन समाहित होता है, जिसके भीतर परमात्मा की भक्ति समाहित होती है, वो गाड़ी से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, और उसको मालूम पड़ जाए कि यहाँ शिवालय है, यहाँ शंकर जी का मंदिर है, और वो वहाँ पहुँच जाए। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता वहां बन जाए। शंभु शरणे पड़ी घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी एक लोभी व्यक्ति धन देखकर झुक जाता है, और एक सत्कर्मी भजनावली शिव की भक्ति करने वाला शिव का मंदिर देखकर झुक जाता है।